हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिफ्थ क्लास के कंप्यूटर सब्जेक्ट का सेकंड चैप्टर करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप्स। सबसे पहले, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए हम चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ प्रोग्राम क्या होता है। प्रोग्राम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होती हैं, जो कंप्यूटर को बताती हैं तुमने क्या काम परफॉर्म करना है और कैसे यह काम को तुमने परफॉर्म करना है। इट टेल्स अ कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, तुमने कैसे इस काम को करना है। प्रोग्राम पता चल गया, प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब आती है बड़ी सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर क्या हो गया? द कलेक्शन ऑफ और द सेट ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। इन सभी काफी सारे जो प्रोग्राम होते हैं उनसे मिलकर क्या बन जाता है, हमारे पास सॉफ्टवेयर बन जाता है। प्रोग्राम क्या हो गया? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होगी, और जो सॉफ्टवेयर हो गया वो क्या हो गया? सेट ऑफ प्रोग्राम्स हो गया। अंडरस्टैंड? अब एग्जांपल्स कौन कौन सी इन सॉफ्टवेयर्स की, लाइक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, एंड्रॉयड, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, दीज आर द डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स। ठीक है, इनकी एग्जाम्पल्स हैं सॉफ्टवेयर की। अब हम बात करेंगे ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होते हैं ये किस किस के लिए यूज होते हैं। जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होते हैं, जो हम सॉन्ग सुनते हैं वो भी किस में सुनते हैं? सॉफ्टवेयर में सुनते हैं। जैसे विंडो मीडिया प्लेयर है, वो भी एक सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए हम क्या सुनते हैं? सॉन्ग सुनते हैं। कोई वीडियोस देखते हैं, वो भी सॉफ्टवेयर के जरिए देखते हैं कंप्यूटर में। अगर कोई क्रिएटिंग ग्राफ्स ग्राफिक्स बनाते हैं तो वो भी हम किसके जरिए बनाते हैं? सॉफ्टवेयर के जरिए बनाते हैं। कोई गेम्स खेलते हैं, वो भी सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम गेम्स खेलते हैं। ठीक है, प्रोग्रामिंग करते हैं, वो भी सॉफ्टवेयर की हेल्प से करते हैं। ठीक है, ये आपको पता चल गया कंप्यूटर जो सॉफ्टवेयर होते हैं क्या किस किस के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो टाइप्स हैं सॉफ्टवेयर की, दो दो तरह की होती है। जो सॉफ्टवेयर होते हैं दो तरह के होते हैं। सबसे पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं आगे डिवाइड किया जाता है तीन पार्ट्स में, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटीज सॉफ्टवेयर, लैंग्वेज प्रोसेसर। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उनको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। सबसे पहले जो हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर था उसके बारे में पढ़ते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? वो सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर्स हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को रन करने में हेल्पफुल होता है। विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर हम जो कंप्यूटर में जो एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं? रन नहीं कर सकते। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो ऑल द कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के, सभी कंपोनेंट्स होते हैं उनकी जो फंक्शनिंग होती है उनको क्या करता है? हैंडल करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को हैंडल करने में हेल्पफुल होता है वो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसकी एग्जांपल्स क्या होगी सिस्टम सॉफ्टवेयर की? एमएस विंडोज, मैकनिटोस, यूनिक्स, लाइनक्स, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब जो सिस्टम सॉफ्टवेयर थे आपको पिक्चर में दिखाया था, सिस्टम सॉफ्टवेयर थे तीन पार्ट्स में डिवाइड किए हुए हैं हमने, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटीज, लैंग्वेज प्रोसेसर। सबसे पहला जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि एक यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बिटवीन क्या करता है? इंटरफेस प्रोवाइड करता है। मींस जे एक इंटरमीडिएट का काम करता है। किसके इंटरमीडिएट का काम करता है? जो एक यूजर हो, जो यूज करता है कंप्यूटर को, और जो कंप्यूटर हार्डवेयर या कंप्यूटर सिस्टम है उसके जो बिटवीन होता है इंटरमीडिएट का काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर दैट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड द यूजर्स। अंडरस्टैंड? इसके काम कौन कौन से हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के? फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, इन हैंडलिंग इनपुट एंड आउटपुट्स, एंड कंट्रोलिंग पेरिफेरल्स डिवाइसेस सच एज डिस्क ड्राइव्स एंड प्रिंटर। जो पेरिफेरल डिवाइसेज हम कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर के साथ, जैसे हमने प्रिंटर अटैच कर लिया, वो भी कंट्रोल कौन करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करेगा। इनपुट दे रहे हैं कंप्यूटर को, वो भी हैंडल कौन करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। आउटपुट मिल रही है किसके जरिए मिल रही है? ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प करेगा आउटपुट जनरेट करने के लिए। ठीक है, दीज आर द बेसिक टास्क जो परफॉर्म किए जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा।
ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल्स कौन कौन सी होगी, लाइक एमएस विंडो, जो हमारी माइक्रोसॉफ्ट विंडो होती है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम की एक एग्जांपल है। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम वी कांट एक्सेस अ कंप्यूटर, कंप्यूटर को हम चला ही नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, हमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है और इंटरफेस प्रोवाइड करता है बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड द यूजर्स, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हमारे पास आता है यूटिलिटी प्रोग्राम, इसकी एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ, जैसे हमारे जो कंप्यूटर में कोई वायरस आ गया उसको रिमूव करना चाहते हैं, जो हमें सॉफ्टवेयर हेल्प करेगा डायग्नोज करने के लिए उन वायरसेस को और रिमूव करने के लिए उन वायरसेस को, वो किस कैटेगरी में आ जाता है, यूटिलिटी प्रोग्राम में। मीन जो यूटिलिटी प्रोग्राम जो होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होते हैं, वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की टाइप्स है जो क्या करते हैं, कंप्यूटर को मॉनिटर, कन्फिगर, एनालाइज और मेंटेन करने में हेल्पफुल होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। आपको पता चल गया, जैसे वायरस आ गया हमारे कंप्यूटर में तो हमने जो सॉफ्टवेयर यूज किया वायरस को रिमूव करने के लिए, वो क्या हो गया, यूटिलिटी प्रोग्राम, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर, आपको पता है कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है, जीरो एंड वन की लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है, जीरो एंड वन। और जो यूजर होता है वो टाइप किस में करता है, इंग्लिश लैंग्वेज में करता है, ठीक है, कंप्यूटर समझता है जीरो एंड वन है और जो यूजर होता है वो टाइप करता है इंग्लिश में, तो हमारे पास एक कन्वर्टर होना चाहिए जो हमारी लैंग्वेज को कन्वर्ट कर दें, जो सिस्टम जो कंप्यूटर होता है उसको समझने वाली लैंग्वेज में, और जो हम समझते हैं वो लैंग्वेज में हमें कन्वर्ट करके आउटपुट प्रोवाइड कर दे, हमारे पास वो सॉफ्टवेयर या कन्वर्टर होने चाहिए, उनको नाम दिया गया है लैंग्वेज प्रोसेसर का। इनका काम क्या है, जैसे मैंने टाइप किया ए बी सी डी, कंप्यूटर को समझ नहीं आता ए बी सी डी क्या होता है, ठीक है, जय एक एग्जाम्पल है इसको समझने के लिए यूज करना, एबीसीडी मैंने टाइप कर दिया, कंप्यूटर को पता ही नहीं है क्योंकि कंप्यूटर तो जीरो एंड वन की लैंग्वेज समझता है। यहाँ पर हम एक लैंग्वेज प्रोसेसर का यूज करेंगे, उन सॉफ्टवेयर्स का यूज करेंगे जो कन्वर्ट कर दे हमारी जो एबीसीडी को जीरो एंड वन की फॉर्म, अंडरस्टैंड। पहले जो लैंग्वेज प्रोसेसर होगा जीरो एंड वन की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा एबीसीडी को और कंप्यूटर उसको समझ लेगा और हमें आउटपुट दे देगा, अंडरस्टैंड। ये क्या होते हैं, लैंग्वेज प्रोसेसर। यहाँ पर हमारे पास तीन तरह के जो लैंग्वेज प्रोसेसर होते हैं वो कौन कौन से हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर। जो कंपाइलर होता है, कंपाइलर का काम, तीनों का काम सेम है, क्या करते हैं, जो हमारी जो लैंग्वेज होती है हाई लेवल लैंग्वेज होती है, जो इंग्लिश लैंग्वेज होती है, उनको कन्वर्ट किसमें कर देते हैं, मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में। कंपाइलर क्या करता है, जो हमारे पास सोर्स कोड है, सोर्स कोड वो होता है जो हमने लिखा हुआ होता है, टाइप किया होता है हमारी लैंग्वेज में, उसको कन्वर्ट किस में करता है, लो लेवल मशीन लैंग्वेज में, जो मशीन अंडरस्टैंड करती है। लेकिन इसमें क्या होता है, जो हम क्या करते हैं, सारे का सारा जो प्रोग्राम लिखा होता है, जो सोर्स कोड लिखा होता है, उसको एक ही स्टेप में क्या कर देता है, जीरो एंड वन की फॉर्म में, लो लेवल लैंग्वेज की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। इसकी कंपाइलर की एग्जाम्पल क्या है, जावा कंपाइलर। इसके बाद आता है इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर का काम भी वही है, कन्वर्ट करना हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लेवल लैंग्वेज। तो यह क्या करता है, कंपाइलर तो करता था एक स्टेप में कन्वर्ट सोर्स कोड को, यह क्या करता है, जो सोर्स कोड लिखा हुआ है लाइन बाय लाइन, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप उसको कन्वर्ट करता जाएगा, एक स्टेप में कन्वर्ट नहीं करेगा। इसकी एग्जाम्पल क्या है, बेसिक इंटरप्रेटर। उसके बाद आता है असेंबलर, असेंबलर का काम क्या है, हमारे पास एक असेंबली लैंग्वेज भी होती है, आपने पहले प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, असेंबली लैंग्वेज में निमोनिक्स यूज किए जाते हैं, सिंबल्स यूज किए जाते हैं, उनको कन्वर्ट करता है इसमें लो लेवल लैंग्वेज मींस मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में, अंडरस्टैंड। असेंबलर का भी पता चल गया आपको। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, वो सॉफ्टवेयर जो कि एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए हेल्पफुल होते हैं, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं। इवन जो आप गेम्स खेलते हो वो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंडर आती हैं। और जो आपको बताना चाहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना काम नहीं करेंगे, ना तो हम इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है, ना तो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है।
इसको हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हमने दो टाइप्स में डिवाइड किया था। एक तो है जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, जो जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर होते हैं वो सभी के लिए होते हैं, प्रोवाइड किए होते हैं। जो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होते हैं वो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे कि जो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होते हैं वो एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन, स्कूल, कॉलेजेस में यूज किए जाते हैं। जो जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो सभी के लिए होते हैं, जैसे कि हमारे पास एमएस वर्ड होता है, एक्सेल होता है, पावर पॉइंट होता है, उसमें हम एप्लीकेशन टाइप करते हैं, ठीक है। पावर पॉइंट में हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं, वो क्या हो गए, जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए। और जो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर हो गए वो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी के लिए डेवलप किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है, एक टॉपिक है आपके जो सिलेबस में आज इस चैप्टर में, वो है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसको हम इंटरेक्टिव वे के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्लाइड्स, ठीक है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, स्लाइड्स बना सकते हैं, जो इंफॉर्मेशन होती है हमारे पास उनकी स्लाइड्स बनाकर हम उसमें एनिमेशन ऐड करके, ऑडियो ऐड करके और वीडियोस भी ऐड कर सकते हैं, उसको एक इंटरेक्टिव वे से प्रेजेंट कर सकते हैं इन सॉफ्टवेयर्स की हेल्प से, ठीक है। दीज आर द प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर्स। ये था आपका जो सेकंड चैप्टर था 5th क्लास का कंप्यूटर का। अगर आपको इस चैप्टर में कोई कुछ समझ ना आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।